नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज पूरे देश दुनिया में महिला दिवस जोर शोर से मनाया जा रहा है। वहीं आज हम इसी कड़ी में बिहार की एक ऐसी महिला की बात करने वाले हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी एक्सपो में दो बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बतौर महिला, एक महिला का जीवन कभी भी आसान नहीं होता। जिंदगी के इस सफर में हर मोड़ पर महिलाओं को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिंदगी के इस मुश्किल सफर में अगर किसी महिला को परिवार वालों का साथ मिले तो वो कोई भी मुकाम आसानी से हासिल कर लेती है। हर बात पर औरतों को आंकने वाली इस दुनिया में अगर किसी महिला को परिवार का साथ मिल जाए तो यह उसके लिए तिनके को सहारा मिलने जैसा होता है। ऐसी ही कहानी है बिहार की रहने वाली रीता रस्तोगी की, जिन्हें हर कदम पर उनके पति का साथ हर मोड़ पर मिला। ऐसा कोई पल नहीं जिसमें रीता रस्तोगी को उनके पति का साथ नहीं मिला हो, और यही कारण है कि रीता ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, साथ ही बिहार का नाम भी रोशन किया है। रीता का जन्म 1958 में बिहार में हुआ था। उनका कहना है कि मेरा शुरू से ही सपना था कि समाज के लिए कुछ करना है। मेरी सफलता के बारे में परिवार का बड़ा योगदान, मेरी सफलता में मेरे परिवार का बड़ा योगदान है। आज के समय में रीता रस्तोगी एक ऐसा नाम बन गई है जिन्होंने व्यापार के क्षेत्र में भारत की तरफ से दो बार बिहार से एकमात्र महिला उद्यमी के रूप में बिहार का मान बढ़ाया है, जिसके तहत रीता रस्तोगी ने अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी एक्सपो सिंगापुर एंड हांगकांग में प्रतिनिधित्व भी किया, जो कि बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आपको बता दें, रीता रस्तोगी ने सिर्फ महिला उद्यमिता में ही नहीं, गरीब बच्चों और परिवार को जीवन सुधारने में मदद करने में भी अच्छा काम किया है, जिसके तहत रीता रस्तोगी इनर व्हील क्लब पटना सिटी इकाई की अध्यक्ष रह चुकी है। जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए रीता हमेशा उत्सुक रहती है। वर्तमान समय में रीता 200 निर्धन परिवारों को हर महीने अनाज, दलित और जरूरतमंदों के लिए मेडिकल कैंप और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष अभियान का संचालन भी कर रही है। इस बाबत उन्होंने बताया है कि उनके क्लब ने गरीब परिवार से आने वाले 20 मेधावी छात्राओं की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया है ताकि समाज में शिक्षा के स्तर को और बेहतर किया जा सके। इसके साथ ही रीता रस्तोगी जल संचय पर भी अभियान चला रही है। इतना ही नहीं, वो महिलाओं को सशक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभा रही है। इतना ही नहीं, रीता महिलाओं को स्वरोजगार में मदद करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद कर रही है, साथ ही समय समय पर उन्हें स्किल ट्रेनिंग दिलवाने का काम भी करती है। कमोवेश आज के समय में रीता अपने घर के साथ साथ सामाजिक दायित्व और परिवार को भी संभालने का काम कर रही है। वर्तमान समय में अगर हम रीता रस्तोगी के सामाजिक कार्यों की बात करें तो रीता अभी भारतीय हरिश्चंद्र वंशीय सभा की कार्यकारिणी सदस्य हैं, महिला शक्ति संघ की उपाध्यक्ष रही हैं, गीता सत्संग महिला मंडल की अध्यक्ष रही हैं, रस्तोगी सभा पटना की अध्यक्ष भी रही है। हम उम्मीद करते हैं कि रीता रस्तोगी इसी तरह बिहार में और ज्यादा महिलाओं को रोजगार की तरफ प्रोत्साहित करते रहे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।